मैं हूं डॉक्टर नवनीत कलरा और काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो बना रहा हूं। लोग मेरे से अक्सर पूछते हैं कि सर आप ये कैसे कर लेते हो, आप में इतनी एनर्जी कहां से आ जाती है, आपके पास टाइम कहां से निकल आता है और आप यूट्यूब से कितना पैसा कमा लेते हो। तो मैं आज इन सब चीज़ों को क्लियर करना चाहता हूं कि मैं ये किसी के लिए भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूं, अपनी खुशी के लिए, क्योंकि मुझे लगता है जो अच्छी चीज़ आपको खुशी दे तो उसको करते रहना चाहिए। ये एक पैशन था और अब मेरा एक तरह का मेडिटेशन है, मुझे शांति मिलती है इससे। और YouTube से कितना पैसा मैंने कभी आज तक देखा नहीं दोस्तों, ना देखूंगा मैं कभी, मुझे नहीं मालूम वो सब चीज़ों का, क्योंकि ये मैंने अपनी खुशी के लिए किया है। और प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में दोस्तों, और एक मिड लाइफ क्राइसिस बोलते हैं जो 40 साल और 60 साल के बीच में लोगों को होती है, कि कई बार लोगों को लगता है इस एज में आके 40 45 50 साल के पास आकर कि अरे मैंने तो लाइफ में कुछ किया ही नहीं यार, मैंने ये ना किया होता, मैंने वो ना किया होता, मतलब गिल्ट आ जाते हैं और एक क्राइसिस डेवलप हो जाती है। आपको लगता है एज तो ख़त्म हो गई, मैंने कुछ किया नहीं, तो उसमें वो कई बार नेगेटिविटी में चले जाते हैं, कुछ गलत काम करने शुरू कर देते हैं और कुछ अच्छे कामों में आ जाते हैं। मुझे लगता है ये अच्छा काम था जो मैंने किया और शायद हो सकता है मैं भी इस क्राइसिस का एक पार्ट हूँ। कुछ लाइनें पढ़ के सुनाता हूँ, यार लाइफ तो आपकी भी उतनी बिजी है जितनी मेरी, लेकिन कुछ लाइनें मुझे अच्छी लगी तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और फिर एक गज़ल आपको सुनाऊंगा जगजीत सिंह जी की। मुझे लगता है कि खुशियाँ हमेशा बांटनी चाहिए और दुख हमेशा अपने पास रखने चाहिए। मुस्कुराते रहो यार, दिखाते रहो दुनिया को, क्या फ़र्क पड़ता है, किसी ने आपके लिए कुछ करना नहीं होता, तो अपने गम बता के लोगों को दुखी करने से कोई फ़ायदा नहीं, और दुखी होगा भी या नहीं होगा ये भी आपको नहीं पता। तो अपने लिए जियो और जो भी करना है खुद करना है, तो ये बात सोच के चलो। हाँ, वो लाइनें पढ़ के सुनाता हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उलझने हैं बहुत मगर सुलझा लिया करता हूँ, उलझने हैं बहुत मगर सुलझा लिया करता हूँ, और फ़ोटो खिंचाते वक्त मैं अक्सर मुस्कुरा दिया करता हूँ। तो आप ही मुस्कुरा दिया करो यारो, क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों नुमाइश करूँ अपने माथे पर शिकन की, समझे, क्यों नुमाइश करूँ अपने माथे पर शिकन की, मैं अक्सर मुस्कुरा के इन्हें मिटा दिया करता हूँ, मैं अक्सर मुस्कुरा के इन्हें मिटा दिया करता हूँ। दोस्तों लाइफ में प्रॉब्लम तो आएंगी दोस्तों, लेकिन क्या करें, लड़ना तो खुद ही है ना, क्योंकि जब लड़ना खुद को खुद से है तो हार जीत में कोई फ़र्क नहीं रखता हूँ। हारूँ या जीतूँ कोई रंज नहीं, कभी खुद को जिता देता हूँ तो कभी खुद से जीत जाता हूँ। ज़िंदगी तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए मैंने तुम्हें सोचना बंद और जीना शुरू कर दिया है। सच में दोस्तों ज़िंदगी खूबसूरत है, हम अपने आप उसको प्रॉब्लमेटिक बना देते हैं अपनी नई नई एम्बिशियस से और पता नहीं क्या क्या सोच के, तो इसको इसके बारे में सोचना कम कर दो, जो होना है वो होके रहेगा टाइम पे, और मुस्कुरा के करोगे तो बहुत अच्छी बात है। और एक लाइन और आपको मैं सुनाता हूँ, ये लिखा है कि हरिवंश राय बच्चन जी की कविता, मुझे नहीं पता, लेकिन ये लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, शायद आपको भी अच्छी लगे। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफ़ी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। ज़िंदगी का फलसफा, उर्दू मेरी थोड़ी कमज़ोर है, ज़िंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। ये तो सच बात है दोस्तों, लोग बोलते हैं कि यार दिन कटता नहीं, शाम कटती नहीं, लेकिन आंख बंद करो तो साल ख़त्म हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ गए सब साल। एक अजीब सी दौड़ है ये ज़िंदगी, है ना, एक अजीब सी दौड़ है ज़िंदगी, ये लाइनें तो बहुत ही खूबसूरत हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये ज़िंदगी, जीत जाओ तो कहीं अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो कहीं तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं, है ना, ऐसा होता है ना, आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपके साथ के लोग पीछे छूट जाते हैं, और आप कुछ नहीं कर पाते तो आपके अपने छोड़ के चले जाते हैं, क्या बोले। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है, मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं है, ये सच है बात। मैं कैसा भी हूँ मेरा सब पता नहीं, मैं तो सबके सामने ओपन हो चुका हूँ, मेरी लाइफ ओपन हो चुकी है, और सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की ज़रूरतों ने मुझे मुसाफिर बना डाला। सुकून की बात मत करे गालिब, बचपन वाला इतवार अब कभी नहीं आता।
चलो दोस्तों, अब बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि लाइफ को जी लो। और डॉक्टर हूँ, रोज़ देखता हूँ यार उसको ये हो गया, उसको वो हो गया। अपने साथ के लोगों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को, कितनों को देखा मैंने इस दुनिया से जाते हुए। और पता नहीं, हर एक की अपनी अपनी ख्वाहिशें होती हैं, एम्बिशियस होते हैं। कोई बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहता है, कोई बड़ी गाड़ी खरीदना चाहता है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद खुशी, हैप्पीनेस सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जिससे भी आपको खुशी मिले वो कर लो। ज़िंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, पता नहीं कल हो ना हो। देखो ये भी काम नहीं कर रहा है। जिन जख्मों को वक्त लग चला है, जिन जख्मों को वक्त लग चला है।